नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, भाग्य बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है। हम परिश्रम करते करते हार जाते हैं, पर अपने जीवन को सवार नहीं पाते, और तब हमारे जीवन में कार्य करता है एक छोटा सा सरल ज्योतिषीय उपाय। वैसे ही यदि आपका और आपके प्रेमी के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं हो, संबंधों में इतना अधिक दरार आ चुका है कि मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, आप दोनों में यदि किसी एक ने भी समझदारी से इस रिश्ते को नहीं निभाया तो ये रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। हमेशा गलती दोनों में से किसी एक की होती है, और कभी कभी दोनों की। हालात कभी कभी ही ऐसे होते हैं कि दोनों में से दोनों कोई गलत नहीं है अपनी जगह, और रिश्ता बिगड़ रहा है, तब समझो कोई तीसरा आ गया है आप दोनों के बीच। यदि पति और पत्नी की बात करें तो ये रिश्ता एक अनजाना रिश्ता होता है। एक अजनबी व्यक्ति की शादी एक अजनबी महिला से कर दी जाती है, और दोनों एक ही घर में प्रेम से रहते हैं, संसार के सबसे अपने रिश्ते को निभाते हैं। ऐसा लगता है जैसे संसार का हर रिश्ता पराया है इस एक रिश्ते के आगे, परंतु वास्तविकता से पर्दा तब हटता है जब आपका पति धोखा देना प्रारंभ करता है, आपको रूठ जाता है, नहीं मानता है, दूर चला जाता है। किसी कारण से आपको मायके में छोड़ गया है, 4 बरस 5 बरस 6 बरस बीत गए हैं, नहीं आना चाहता वो आपको लेने के लिए। कभी कभी आप अपने ससुराल में रहती हैं, वो ही नहीं आता है, किसी काम के बहाने बाहर रहता है, थोड़े बहुत पैसे भेज देता है आपको, परंतु वो नहीं आता है इस रिश्ते को निभाने के लिए। ऐसी अवस्था में भी आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे, बहुत सारा परिश्रम करना होगा, फिर भी बात नहीं बनेगी, तब बात बनाएगा एक छोटा सा ज्योतिषीय प्रयोग। आज जो उपाय लेकर आई हूँ वह इतना कारगर है कि एक रात में आपका प्यार आपका हो जाएगा। यदि पति और पत्नी मिल भी जाए एक, पर प्रेमी और प्रेमिका का संबंध इतना खतरनाक होता है कि इसमें समाज की मोहर नहीं लगी होती। जब तक विवाह नहीं हो जाता, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता। आप उसे अपना प्रेमी मानते हैं और वो आपको अपने प्रेमिका मानते हैं, परंतु यह सिर्फ एक मौखिक संबंध है। तुम्हारे दिलों के बीच की गहराई कोई नहीं समझता, और तब जब दोनों में से कोई एक मुकर जाता है इस रिश्ते को निभाने के लिए, तब तुम्हारे साथ समाज खड़ा नहीं होता है। पत्नी के साथ फिर भी बिरादरी और समाज खड़े होते हैं, प्रेमिका के साथ कोई नहीं खड़ा होता, प्रेमी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। यह रिश्ता केवल तुम दोनों के आपसी समझौते पर, विश्वास पर टिका होता है, और जब यह विश्वास कम होने लगता है तो यह रिश्ता भी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। आज जो वशीकरण लेकर आई हूँ, बुरे से बुरा संबंध, खराब से खराब, टूटता हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ जाता है। अद्भुत है, चमत्कारिक है, दिव्य है ये प्रयोग। केवल एक बार करने मात्र से आपको बहुत अधिक लाभ होगा, आपका प्यार होगा आपके वश में, आपका प्रेमी आपकी प्रेमिका बोलेगी आपकी जुबान, आपका पति होगा आपके वश में, आपकी पत्नी होगी आपके वश में। यदि कोई पत्नी भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है पति को, घर चली जाती है बार बार अपने पिता के घर, या बच्चों पर ध्यान नहीं देती, आपके रिश्ते पर ध्यान नहीं देती, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा लगी हुई है, या किसी तीसरे के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने रिश्ते को ख़राब करते जा रही है, तब भी यह दिव्य प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाला है। इधर आपने किया और उधर आपका प्यार होगा आपके वश में। ध्यान से संपूर्ण वीडियो को सुनिए, स्किप मत कीजिए, मंत्रों को सही से जान लीजिए, किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, 5-7 मिनट निकाल कर इस वीडियो को समझ कर कीजिए, और अचूक असर, साधारण से प्रयोग से असाधारण असर आप देखेंगे अपने रिश्ते पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले जानते हैं किस दिन करना है यह प्रयोग। यह प्रयोग मित्रों आपको केवल गुरुवार या शुक्रवार, इन दोनों दिनों के भीतर ही करना है। यह प्रयोग आपको प्रातः सोकर उठने से लेकर संध्या ढलने से पहले, अर्थात सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच कर लेनी है। संध्या में ना करें, रात्रि में भी ना करें। आपको यह प्रयोग गुरुवार और शुक्रवार दोनों में से किसी एक दिन का चयन कर लें। बैठेंगे आप आसन बिछाकर, बैठने की जो दिशा होगी वह आपकी उत्तर की दिशा होगी। आपको सामग्री में चाहिए 1 चम्मच हल्दी का पाउडर अलग से, और एक सफ़ेद कागज़, और थोड़ी सी शहद, अन्य कोई भी चीज़ ना रखें, थोड़ा सा जल रख लें। उत्तर की दिशा की ओर आप चेहरा करके बैठ जाएं। जब आप बैठें तो सफाई का बहुत ध्यान रखें,
आसपास चप्पल जूते ना खुले हुए हो, कोई भी गंदगी चीज़ ना दिख रही हो, आपके शरीर पर कोई भी काला वस्त्र या कोई भी शरीर से उतारा हुआ खुला हुआ वस्त्र फिर से ना पहने, धोकर ही पहने। पीले लाल हरे रंग के कपड़े अधिकतर पहने ग्रहों को और अधिक आकर्षित करता है आपकी ओर। सबसे पहले आप शहद में उंगली डुबाकर, अपनी उंगली जैसे कलम डुबाकर कोई चीज़ लिखते हैं, किसी लेखनी से लिखते हैं, किसी लकड़ी से लिखते हैं, अनार का कलम से लिखते हैं, उसी प्रकार आपको अपनी उंगली से शहद में डुबाकर सफ़ेद जो पेज है उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखना है, शहद से ही लिखना है। दिखे या ना दिखे आपको ये नहीं देखना है, बस जैसे जल से लिखते हैं वैसे शहद से आपको नाम लिख देना, थोड़ा सा खुला छोड़ देना है, वो सूख जाएगा। अब आपको एक चम्मच जो आपने हल्दी का पाउडर लिया है उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लें, हाथ खुला ही रखेंगे आप। अब सबसे पहले आंखें बंद करें और उस व्यक्ति की गहरी अनुभूति करें, याद करें उसे, कागज़ सामने ही रहेगा, और खूब याद करें, जैसे वो मुस्कुराता हुआ दिख रहा हो आपको, चलता फिरता हुआ दिख रहा है आपको, वो हर चीज़ दिख रहा ही है आपको, ऐसे उसे महसूस करें, खूब गहरी अनुभूति लें। और जब वह व्यक्ति आपको नज़र आने लगे, दिखने लगे, आपके साथ खाना खा रहा है, घूम फिर रहा है या रही है, तब उसके बाद आपको एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को आपको 100 बार यानी 100 टाइम्स जप करना है, बोलना है, लेकिन बहुत विश्वास के साथ, बहुत गहरी अनुभूति के साथ। आपको कहना है ओम श्रीन एन अमुक वश्यम, ओम श्रीन एन अमुक वश्यम, अमुक के स्थान पर वही नाम जो आपने पहले से कागज़ पर लिखा है। इस मंत्र को 100 बार बोलने के बाद इस हल्दी को आपने अभिमंत्रित कर दिया है और इस हल्दी को आपको उस कागज़ पर डाल देनी है और कागज़ को तुरंत से मोड़कर बांध देनी है, एक पुड़िया बना देनी है। यह अभिमंत्रित हल्दी अब आप उठ सकते हैं, आसन से उठ सकते हैं, खुद पर थोड़ा जल छीट लें। यह पुड़िया आज रात आपके सिरहाने रहेगी, आपके तकिया के नीचे रहेंगी और अगले दिन से आपके आसपास रहेंगी, 27 दिनों तक आपके आसपास रहेंगी। इस 27 दिनों में आपका पार्टनर आपके पास भी आ जाता है, आपको लेकर भी चला जाता है, फिर भी यह पुड़िया 27 डेज, 27 हमारे नक्षत्र होते हैं, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, 27 दिनों तक आपके आसपास रहेगी और उसके बाद आप इसे जल में बहा दें और ये बात किसी से भी ना कहें। रिश्ता सुधरने के बाद अपने पार्टनर से भी यह बात ना कहें कि आपने कुछ किया था तब यह रिश्ता सुधर गया, अपनी वाहवाही ना लें, बस इस रिश्ते को एंजॉय करें। क्या कहूँ कि कितना असाधारण परिणाम देता है यह साधारण सा उपाय, आप करें, यह दिव्य प्रयोग है। आपका प्रेमी सात समंदर दूर ही क्यों ना चला गया हो आपसे रूठ कर, वह फिर से आएगा आपके पास, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगा, प्रेम के साथ बंधन में बंधेगा आपके और जीवन खुशहाली की ओर बढ़ेगी आपकी, तो अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।